गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, आज हम देखने वाले हैं वेंचर कैपिटल उद्यम पूंजी। परंपरागत औद्योग व्यवसाय को आप आसानी से परंपरागत वित्तीय स्रोतों से पूंजी प्राप्त हो जाती है, किंतु नए और आधुनिक उद्योग व्यवसाय को परंपरागत वित्तीय स्रोत से वित्तीय प्राप्त करने में कई कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। ऐसा इसलिए है कि नए आधुनिक तथा नवाचार अपनाने वाले व्यवसायों उद्योगों में जोखिम की मात्रा बहुत अधिक होती है। इसके अतिरिक्त ऐसे उद्योग व्यवसाय को स्थापित एवं संचालित करने वाले व्यक्ति भी प्राय तकनीकी एवं प्रबंध की शिक्षा प्राप्त नई पीढ़ी के उद्यमी होते हैं, जिन्हें उन्हें न तो व्यवसाय का अनुभव होता है, ना ही उनके पास पिछली पीढ़ियों के व्यवसाय की ख्याति होती है। उनके पास ज्ञान और आत्मविश्वास होता है। ऐसे में उद्यम पूंजी और उद्यम पूंजी कोष उनकी दीर्घकालीन पूंजीगत आवश्यकताओं को पूरा करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। तो आज हम उद्यम पूंजी की अर्थ पढ़ रहे हैं कि उद्यम पूंजी क्या होती है। साहसी पूंजी या उद्यम पूंजी। उद्यम पूंजी से तात्पर्य ऐसी पूंजी से जो नए एवं आधुनिक नवाचारी उपक्रम में निवेश की जाती है, तथा उस उद्यम पूंजीपति या उद्यम पूंजी कोष ऐसा निवेश केवल ब्याज कमाने हेतु नहीं करता, बल्कि पूंजी में अभिवृद्धि की नियति से करता है। उद्यमी पूंजी की कुछ परिभाषा है जो मैं आपको बताना चाह रही हूँ। पहली परिभाषा प्रोफेसर पांडे ने लिखी है। उद्यम पूंजी की एक व्यापक परिभाषा दी है उन्होंने। उन्होंने लिखा है कि उद्यम पूंजी समता पूंजी, अर्ध समता पूंजी तथा कभी कभी ऋण के रूप में बिना शर्त अथवा सशर्त निवेश है, जो किसी तकनीकी या पेशेवर योग्यता प्राप्त उद्यमियों द्वारा परिवर्तित नई या बिना जांची परखी प्रौद्योगिक वाले या भारी जोखिम युक्त उपक्रम में किया जाता है। ऐसा उद्यम पूंजी या उद्यम पूंजी कोष है। इसकी दूसरी परिभाषा हम लेना चाहेंगे भारतीय उद्यम पूंजी संघ के अनुसार। उद्यम पूंजी केवल तीव्र गति से विकास करने वाले निजी क्षेत्र की कंपनियों का वित्तीय पोषण करने का साधन है। ऐसे में वित्त की आवश्यकता कंपनी का विस्तार या विकास करने अथवा नए व्यवसाय को क्रय करने के लिए होती है। उद्यम पूंजी के माध्यम से उद्यम पूंजी धन के बदले कंपनी की पूंजी में से एक निर्धारित हिस्सा प्राप्त कर सकते हैं। इसकी तीसरी परिभाषा है डॉलिंग के अनुसार। उद्यम पूंजी भारी पूंजी है जो निवेशों के पेशेवर ढंग से प्रबंधकीय कोष को प्राप्त होती है। अब इसका निष्कर्ष निकल के आ रहा है इन सभी बातों का, इन परिभाषाओं का, कि उद्यम पूंजी वह दीर्घकालीन पूंजी है जो आधुनिक नवाचारी एवं तीव्र गति से विकास करने वाले उद्यमियों में पेशेवर उद्यमी पूंजीपति द्वारा उन उपक्रमों में लगाई जाती है जिसके विकास की भरपूर संभावना दिखाई जाती है। उद्यम पूंजी की विशेषता मैं लेना चाहूँगी, साथ ही इसकी विशेषताओं को आज हम डिस्कस करेंगे। उद्यम पूंजी में सबसे पहले इसकी विशेषता और प्रकृति के अंदर है वित्तीय स्रोत। उद्यम पूंजी एक ऐसा स्रोत है जिसे निजी क्षेत्र में तीव्र गति से विकास करने वाले उपक्रम अपनी वित्तीय प्राप्त कर सकते हैं। इसका दूसरा है प्रारंभिक एवं वित्तीय पोषण। उद्यम पूंजी कई बार प्रारंभिक पूंजी के नाम से संबोधित किया जाता है, किंतु वास्तव में ये अब उद्यम पूंजी उपक्रम के प्रारंभ से नहीं, बल्कि उपक्रम के विकास और विकास एवं विस्तार करने, यहाँ तक कि नए व्यवसाय की अधिकृत करने के हेतु उद्यम पूंजी की उपलब्ध की जाती है। इसका तीसरा पॉइंट है दीर्घकालीन पूंजी। उद्यम पूंजी की विशेषता यह भी है कि दीर्घकालीन पूंजी 5 से 10 वर्ष की अवधि के लिए निवेश की जाती है। इसका चौथा पॉइंट है समता पूंजी और अर्ध समता पूंजी। उद्यम पूंजी सामान्यतः समता पूंजी अथवा अर्ध समता पूंजी के रूप में होती है। दूसरे शब्द में उद्यम पूंजी प्राप्त करने अथवा समता कंपनी की समता अंशों परिवर्तित या अंश रूपी परिवर्तित ऋणों जारी करने पड़ते हैं। इसका पांचवा पॉइंट है उद्यम पूंजीपति द्वारा प्रदत्त पूंजी। उद्यम पूंजी
पूंजीपति अथवा उद्यम पूंजी कोष द्वारा प्रदान की जाती है। ये पूंजी कोष सामान्यतः किसी एक व्यक्ति की नहीं बल्कि कई व्यक्तियों का होता है। ऐसा समूह किसी कंपनी के ट्रस्ट के रूप में अन्य प्रकार या पंजीकृत होता है। भारत में जैसे सेबी उद्यम पूंजी पंजीयन और नियमन करती है। इसका छठा पॉइंट है नए एवं युवा उपक्रम हेतु। उद्यम पूंजी लघु उद्योग के लिए नहीं बल्कि मध्य और वृहद स्तरीय नए एवं युवा उपक्रम के लिए की जाती है। ये उल्लेखनीय है कि ये नए युवा उपक्रम प्राय छोटे और लघु होते हैं। इसका सातवां पॉइंट है उच्च विकास की संभावना क्षमता वाले उपक्रम हेतु। उद्यम पूंजी उन उद्यमियों और उपक्रम को प्राप्त होती है जिनके उपक्रम के विकास की दर बहुत ऊंची होती है, साथ ही उन पूंजी पर संस्था के लिए उपक्रम उपलब्ध होते हैं। इसका आठवां पॉइंट है आधुनिक नवाचारी कार्य वाले उपक्रम हेतु। उद्यम पूंजी उन उद्यमियों के उपक्रम को उपलब्ध होती है जो आधुनिक नवाचारी कार्य करते हैं। सामान्य प्रकार कारोबार करने वाले उद्यम पूंजी कोष में रुचि नहीं लेते हैं। इसका नवा पॉइंट है उच्च तकनीकी और ज्ञान पर आधारित उपक्रम हेतु पूंजी। उद्यम पूंजी उन उद्यमियों को उपलब्ध होती है जिनका कार्य उच्च तकनीकी या ज्ञान आधारित होता है। सूचना तकनीकी, बायोटेक्नोलॉजी, संरचना, चिकित्सा और टूरिज्म प्रबंध, स्तरीय फुटकर व्यापार, मनोरंजन उद्योग आदि क्षेत्र के उपक्रम पर उद्यम पूंजी उपलब्ध होती है। इसका दसवां पॉइंट है पूंजी के साथ प्रबंधकीय कौशल। उद्यम पूंजी केवल वित्तीय स्रोत ही नहीं बल्कि साथ ही प्रबंधकीय कोष भी उपलब्ध कराती है। दूसरे शब्द में उद्यम पूंजी कोष प्राय उद्यम पूंजी के साथ उपक्रम के प्रबंध की भी भागीदारी करता है। उद्यम पूंजी